पिछले साल की बात है। मुझे जो सबकी माँ जी हैं यूट्यूब की, कशफ बीबी, उनका मुझे आता है कॉल। तब मैं अपनी अम्मी के घर पे थी और मुझे कॉल करके कहती हैं कि स्वीटी जी, मेरी बेटी के लिए कोई लाहौर का या इस्लामाबाद का प्रपोजल देखना। मैंने उनको बोला, कशफ बीबी को मैंने बोला कि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपकी बेटी का रिश्ता करवाना। हाँ, हम अपने भाई का रिश्ता जो है देख रहे हैं। अच्छा, मैं अपने अम्मा से पूछ कर बताऊंगी। मैंने अब जाके पहले मैंने अपने हस्बैंड से बात की, फिर मैंने अपनी मम्मा से बात की, पापा से बात की। उस बेडरूम में मेरे दोनों छोटे भाई बैठे थे। मैंने कहा कि आप कशफ बीबी को जानते हैं जो यूट्यूब पे सबकी अम्मी है? उन्होंने कहा हाँ जी, जो दो दफा हमारे घर भी तशरीफ लाई हैं। तो मैंने उनको बोला, आपको मेरी आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही? और मैंने जाके अपने अम्मी अब्बू से बात की और मेरे अम्मी अब्बू ने कहा कि वो कशफ बीबी कौन? मैंने कहा वो जो दो दफा हमारे घर भी आई थी, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिनके लिए मैं यूट्यूब पे हर किसी से लड़ाई करती थी, मैं जिनकी बेटी के लिए यूट्यूब पे हर किसी से लड़ाई करती थी, उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुनती थी, मैं उनकी बेटी के रिश्ते की बात कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने बोला लड़की दिखाओ। मैंने उनको लड़की दिखाई और कुदरती तौर पे, जैसे होता है ना, सबके मुंह से निकला हो ये हाँ ठीक है अच्छी है। मैंने अपने छोटे भाई भी मेरे पास बैठे थे, उन्होंने भी कहा हाँ ओके डन। मेरे मम्मा पापा ने कहा क्या मोहसिन को पसंद आएगी? मैंने कहा जी आएगी, बात करके देख लेते हैं, उसको दिखा लेते हैं। इंस्टाग्राम की उसकी कुछ पिक्चर्स वगैरह जी दिखा दी भाई को। मेरे भाई ने मजाक से कहा कि नाक थोड़ा मोटा नहीं? तो मैंने उसको कहा तुम्हारा भी तो मोटा है। तो हंसने लग गया, कहता हाँ ठीक है कोई नहीं, अगर आप सब राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ। मैंने कहा देख लेना, एक बात बोल दूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका भी यूट्यूब चैनल है, तो कल को रोक टोक नहीं करनी। उसने कहा हाँ मैं नहीं करूंगा, जब तुम्हारे यहाँ अमन को मसला नहीं तुम कर रही हो तो मैं कौन होता हूँ पाबंदी लगाने वाला। तो रिश्ता जी, ऐसे मेरे भाई को लड़की अच्छी लगी। मैंने उसी टाइम की जी कश्यप बीबी को कॉल। कश्यप बीबी कहती है कि मैं आप लोग हैदराबाद आ जाओ, हैदराबाद आ जाओ आप लोग। मैंने कहा ऐसा करें कि आपने तो लाहौर आना ही है, तो फिर आप लोग आ जाए लाहौर, हम लोग तो इतने ज्यादा लोग हैं, देखना ही है। मैंने तो आपकी बेटी देखी हुई है, मुझे तो पसंद है, तो ऐसा करें आप लोग आ जाएं लाहौर। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम 4 दिन बाद लाहौर आ रहे हैं, हम 4 दिन बाद लाहौर आ रहे हैं। कुदरती तौर पे कश्यप बीबी की जो बेटी है उसके एग्जाम्स आ गए। साइड पे हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं, मगर साइड पे होने के लिए मुझे ये कहा अगर कभी मेरे साथ मेरे पास आना है ना तो पहले यूट्यूब पे वीडियो डाल के आई, पहले मुझे वीडियो बना के सेंड कर मोहसिन कि तेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या क्या किया। मैं कहा छोड़ यार अपनी जिंदगी चलाते हैं, नहीं वीडियो डालोगे तो आगे बात होगी। अब मैं लेता हूं अंबर को कॉल ताकि कल को ये बात ना आ जाए मैंने अंबर को कॉल पे नहीं लिया। अब मैं खामोश हूं। अंबर आ जाओ। कितनी गलत बयानी करी है, कितनी गलत बयानी करी है, किस बात पे? बहुत गलत बयानी करी है। किस बात पे? बहुत गलत बयानी करी है मोहसिन, मोहसिन बहुत गलत बयानी करी है। मोहसिन दुनिया सुन रही है, बताओ मोहसिन, अल्लाह की कसम जितनी गलत बयानी करी है ना, मैं यहाँ पे मेरा खून खोल रहा है। कितनी गलत बयानी करी है, कितनी गलत बयानी करी है। मैंने नहीं बोला था कि आप लाए आओ, आपने मुझे कहा था कि मैं लाए आऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। मैंने नहीं बोला था मोहसिन,
मैंने नहीं बोला था कि लाइव आओ। मेरे पास आपका वो स्क्रीनशॉट है जिसमें आपने मुझे कहा लाइव आओगे, तो मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं, मेरी बात सुनना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप मर जाए अगर मुझे अंबर ने ये बात ना की हो कि मोहसिन लाइव जाके अपनी बहनों की। ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहसिन ने भी मुझे ये कहा था कि मैं साथ दूंगा, मैं लाइव आकर खुद बताऊंगा। मैंने कहा था मोहसिन अब लिमिट्स क्रॉस हुई है। ये अभी वेट वेट, मैंने एक बात पूरी करने दो अंबर। मैंने अंबर को ये बात बोली, अंबर रिश्ता चलाओ आगे, कल को कुछ होगा मैं साथ हूँ, मैं साथ दे रहा हूँ, मैं लाइव आऊंगा जो गलत होगा। ये कल की बात पे आओ अंबर, कुरान उठा लो, मैं ले आऊंगा अभी कुरान। ठीक है आप चलो ठीक है। मुझे कल से आप ऑफिस में मैं था, मुझे आपने कल से कह रही हो कि वीडियो बनाओ। मैंने ये तीन चार दिन पहले कहा था अंबर हम अलग हो जाते हैं, एक मिनट बात खत्म कर दो, हम अलग हो जाते हैं। आने का बातें तो तब भी नहीं खत्म होगी। मैं कहा अंबर कुछ भी नहीं हो पाएगा, बट मेरे साथ होगी, मेरी प्रोटेक्शन में होगी, फिर मैं लाइव आके तमाशा लगाऊंगा अगर किसी ने ज्यादती की तो। ये बात आप इस बात के साथ जोड़ रही हो, तो मैं गाइस कलमा पढ़ लिया है, माँ बाप के सर की कसम खा लिया मैंने। आप बोलो फिर उसके बाद मेरी बारी आएगी तो फिर मैं बोल लू।